सीरियल गुम है किसी के प्यार में फूटेगा डीआईजी का गुस्सा यशवंत राव पर। अब भाई यशवंत राव ने कर लिए हैं बहुत सारी तैयारी, और वो भी उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो कि अब उनके इंस्टीट्यूट पर ताला लगाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो बुरी तरह से फंस भी चुके हैं। इसीलिए यशवंत राव लेकर आने वाला है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट, और वो होगा कि भाई डीआईजी को यानी कि अब और इंस्पेक्टर से भी ऊपर वाली पोस्ट वाले को हम बंद किया जाए, क्योंकि ये मामला ऊपर तक पहुंच चुका है। और अगर डीआईजी और वो जो कमिश्नर है जिसकी पार्टी में गया था वो इंस्पेक्टर और यशवंत राव, जिसके बाद इंस्पेक्टर ये भी कहते हैं कि आप किसी को भी कॉल लगाइए, लेकिन ये मामला यहाँ चुप नहीं होने वाला, बंद नहीं होने वाला, मैं अपनी कार्रवाई जरूर करूंगा। इसीलिए यशवंत राव जो है डीआईजी के पास पहुंचेगा इस मामले को रफा दफा करवाने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं कि उसका पंगा किससे पड़ चुका है। इंस्पेक्टर क्या, डीआईजी तो उससे भी खतरनाक है। और अब डीआईजी के पास पहुंचेगा वो बहुत सारे पैसे कर, जिससे कि भाई ये मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन मामला यहाँ पर शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि डीआईजी को जब पता चलता है कि इंस्पेक्टर ने कार्रवाई सही की है और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कई गरीब लोगों की जो हक छीने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा, इसीलिए डीआईजी उसी पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग पहले तो घोटेलेबाजी करो और उसके बाद में आप मुझे रिश्वत दे के एक बार फिर से मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हैं। और यहाँ पर काफी कुछ डीआईजी यशवंत राव को उल्टा सुना देते हैं और यशवंत राव पर बुरी तरह से भड़क जाते हैं कि आपको ये सब कुछ तो पहले सोचना चाहिए था, करने से पहले, कि इसका अंजाम बुरा ही होगा। बुराई का अंत हमेशा बुरे से ही होता है, और उसका देखने को मिल रहा है कि आप किस तरह से अब मेरे सामने जो हाथ जोड़ रहे ना, इसने आपको सच में आपने साबित कर दिया कि आप गलत हैं और ईशा मैम सही है। यशवंत राव को खानी पड़ेगी मुंह के डीआईजी के सामने।